पास की कहानी, ऐसी कहानियाँ हम अक्सर अखबारों में देखते ज़रूर हैं, पर जब उनको फिल्माया जाए तो वो बहुत अलग किस्म का थ्रिल है उनमें। इसकी कहानी जो है वो मतलब मैंने अपने टेलीफोन पे पढ़ी थी। ऐसा बहुत कम होता है कि आप फ़ोन पे कहानी पढ़ें और आप रुक ना पाएँ, क्लाइमैक्स तक पढ़ जाते हैं। तो कहानी बहुत सॉलिड है। देखिए, सबसे पहली बात, हाँ बिल्कुल, कहानी जो है कहानी के साथ कुछ मिलावट नहीं की गई है, कुछ छेड़खानी नहीं की गई है। उसी तरीके से कैमरे के साथ, आर्टिस्ट के साथ, किसी के साथ भी किसी किस्म की मिलावट नहीं है। सेक्स इस फिल्म में है क्योंकि वो इस फिल्म का स्पाइन है। कैमरा इसलिए नहीं, मतलब कुछ भी इसलिए नहीं है कि वो आप कोई भी टिटिलेट हो। एक कहानी है, वो जरिया है, बताना ज़रूरी है। दूसरा, ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में सेक्स इज़ ओवररेटेड, शायद कहीं पे, क्योंकि हम इसको दर्शाने से या इसकी बात करने से इतना कतराते हैं। हालांकि हम ही हैं जो खजुराहो के मंदिर बना के बैठे हैं और हम ही हैं जिसने कामसूत्रा की रचना की, लेकिन फिर भी, सो नेवर माइंड, कोई बात नहीं। आई थिंक इट्स ओके कि लोगों को, दे शुड गेट ओवर विद इट, और जितनी जल्दी वो लोग समझ पाए कि सेक्स के परे, क्योंकि वहाँ पे आके फिर आप बहुत चीज़ें लिमिट कर देते हैं क्रिएटिवली भी। तो इस फिल्म की ज़रूरत थी। और मैंने ये रोल क्यों किया, क्योंकि ऐसा रोल मुझे बहुत अरसे बाद मिला, और जहाँ मैं इस औरत को अपना चेहरा देना चाहती थी, मैं उसकी परेशानियाँ और दिक्कतें समझना चाहती थी, और तो बस हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जब नीयत अच्छी होती है तो वो आगे तक जाती है। और जब हमारी फिल्म को बेस्ट फिल्म मिला था दिल्ली में, मैं भूलूंगी नहीं, 1800 की ऑडियंस थी और 18 साल से लेकर 80 साल तक के लोग, और सबको फिल्म पसंद आई और फिल्म को बेस्ट फिल्म मिला, शादाब को बेस्ट एक्टर मिला। वो मोमेंट जो था उसने प्रूव कर दिया कि वो एक साल की मेहनत, खून पसीना, सब वॉज वर्थ इट। और जैसा आप देख रहे हैं, विशाल भारद्वाज साहब, खालिद मोहम्मद, महेश भट्ट साहब, बुद्ध देवदास गुप्ता जी, इन सब ने इतना अच्छा अच्छा बोला है फिल्म के बारे में, तो आपको मानना पड़ेगा कहीं पे कुछ बहुत ही ईमानदार चीज़ है इस फिल्म में। और दूसरा ये मैं बोलना चाहूँगी, फेस्टिवल में गई है का मतलब ये नहीं कि बोरिंग है, पहले ही बता दूँ, काफ़ी एंटरटेनिंग फिल्म है, और इनफैक्ट मैं बहुत बार देख चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें इंटरवल क्यों है ऐसा लगता है। आई थिंक कि सभी अज्यूम करेंगे कि ज़्यादा मुश्किल होते हैं सेक्स सीन को करना, पर मैं आर्टिस्ट हूँ, और अगर आप मुझसे पूछेंगे, मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल डायलॉग बोलने में होगी। ओके, क्योंकि वो सारिका क्या बोलेगी, उसकी कैसी आवाज़ है, उसका क्या लहजा है, वो कैसे चलेगी एक बार, और क्या सोच है उसकी, वो सब पकड़ में आ जाए, फिर सब कुछ एक सूत्र है ना, देन इट फ्लोज, फिर हम को 10 जगह से चीज़ें पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। देन शी इज़ इन योर बॉडी और नाउ शी इज़ आउट ऑफ माई बॉडी, यू नो। तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज वंस आई वॉज इन सिंक विद द कैरेक्टर, आई थिंक शूटिंग के एक दिन पहले, उसके बाद नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत फैमिली जैसा माहौल था ना बीए पास पे, मतलब फ्रॉम स्पॉट दादा टू लाइट बॉय टू एवरी वन, हर किसी की जो नीयत थी ना वो वॉज वर्किंग एट इट, सो वेरी वेरी कम्फर्टेबल। वो अक्खड़ मिजाज नहीं थी, अगर आप जानते होंगे तो उसका भी होने का मतलब ठीक ही था, और वो एंड में प्रूव भी करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यू नो, सभी किरदार अच्छे होते हैं, सभी सफ़ेद और उतने ही काले होते हैं, स्पेशली हमारी मॉडर्न लाइफ। एवरी डे इज़ अ बिगनिंग, एवरी रोल इज़ अ बिगनिंग इन दैट केस, यू नो, बट यस, दिस इज डेफिनेटली आई वुड से कि माई सेकेंड इनिंग्स एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि यू नो, 32 उम्र में कौन बोलेगा कि ये मेरी सेकंड इनिंग्स है, पर अक्सर हमारी इंडस्ट्री में ऐसा हो जाता है कि अगर ब्रेक हो जाए 4 साल तो यू नो एक्टर्स आर रिटन ऑफ। आई एम रियली ग्रेटफुल कि अजय ने मुझे याद किया इस फिल्म के लिए और मैं सारिका को अपना चेहरा दिया। ऑडियंस से ये कहना चाहूँगी, बीए पास हिंदुस्तान की एक ऐसी फिल्म है जो अरसे बाद शायद ऐसी फिल्म वो देखेंगे, वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ है जो उनके दिल में बदलेगा, और आई थिंक
क्या बोलूँ मैं, कुछ है जो बदलेगा उनके उनके मन में. और वो उन्होंने ऐसा सिनेमा, मेरे ख्याल में शिप ऑफ थीसिस की इतनी तारीफ हो रही है, हम बहुत खुश हैं. यू नो, ये शिप ऑफ थीसिस, बी ए पास, ये दोनों फिल्में वर्क इन प्रोग्रेस, ब्लेस यू, वर्क इन प्रोग्रेस में थी साथ में गोवा में. बहुत अच्छा लगता है जब इतनी इंटेग्रिटी के साथ कोई फिल्म बनती है और उसको उतना ही वेल रिसीव करते हैं. तो बी ए पास हिंदुस्तान की एक ऐसी फिल्म है जो 18 साल से ऊपर जो भी है किसी को मिस नहीं करनी चाहिए. शॉकिंग हो सकती है उनके लिए, लेकिन ये सोच के वो सिनेमा हॉल ना आए ऐसा नहीं करें, क्योंकि हमारे अखबार ज़्यादा शॉकिंग है, यू नो. तो इस फिल्म का हिस्सा बने, क्योंकि ये आप में कुछ चेंज करेगा जो बहुत सुंदर ही होगा एट द एंड. तो फिर शुरू करते हैं, मतलब व्हाट वी बीन वेटिंग फॉर. मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी सबसे पहले हमारा ट्रेलर, और फिर हम सब आपसे मिलेंगे. सो आई होप यू ऑल लाइक इट. थैंक यू. पूरी कायनात इसे फिर से बनाने की कोशिश में लग जाती है. हमने ये फिल्म बहुत शिद्दत से बनाई है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस, बहुत मेहनत. एंड आई अशोर यू, नोबडी टू अशोर यू, पर भरत शाह सर, थैंक यू सो मच. शायद अगर आपका आशीर्वाद नहीं होता और आपकी ब्लेसिंग्स नहीं होती, तो हमें नहीं पता कि ये फिल्म, जिसमें कोई स्टार नहीं है, ये फिल्म कितने लोगों तक पहुँच पाती. थैंक यू सो मच for your support. Mahesh Bhatt sir, again, I can't explain it in words. जब Mahesh Bhatt sir और Pooja Bhatt हमारी फिल्म देखने आए थे, मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती वो एक्सपीरियंस. वी वर ऑल स्पीचलेस एंड साइलेंट, और सिर्फ वो हक और वो ह्यूमन टच, इट टेल्स यू ऑल. सो या, और फिर इन इन सब का ये कहना कि जैसा कि विशाल भारद्वाज सर ने कहा, वेल क्राफ्टेड, ब्यूटिफुली शॉट, वेरी ब्रेव एंड जेन्युइन परफॉर्मेंस बाय शिल्पा शुक्ला, एक्सेप्शनली सपोर्टेड बाय देवेंदु भट्टाचार्य एंड शाला कमाल. खालिद मोहम्मद सर, उन्होंने कहा, द मोस्ट ऑडेशियस मूवी आई हैव सीन इन ईयर्स, विसरल, ब्रूटली रियल, बी ए पास ब्लू मी अवे. इन्होंने फिल्म ओशियन सिनेफैन में देखी थी, जहां हमें बेस्ट फिल्म मिला था और हम बहुत खुश हुए, और शादाब को बेस्ट एक्टर मिला था. महेश भट्ट साहब, आउटस्टैंडिंग रॉ ह्यूमन, ट्रूथफुल. अजय बहल आउट डिस्टेंसेस हिज कॉन्टेम्पररीज बाय माइल्स इन हिज डेब्यू फिल्म, दैट्स पावरफुल एंड थैंक यू सो मच सर. अ रिमार्केबल डेब्यू, वेरी गुड परफॉर्मेंसेज, टेक्निकली आउटस्टैंडिंग, अ मस्ट वॉच, बुद्धदेव दास गुप्ता जी. एज जूसी एज दे कम, बी ए पास इज प्योर अनअडल्ट्रेटेड नुआर, अभिषेक चौबे. वाओ, सुपर. तो अब मैं बिना किसी डीले के, आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई डायरेक्टर, एंड ही इज ऑल्सो शॉट द फिल्म एंड ही इज ऑल्सो प्रोड्यूस द फिल्म, थ्री इन वन. थैंक यू अजय बहल फॉर दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फिल्म. एंड आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माई पार्टनर टू यू, मिस्टर नरेंद्र सिंह. वेयर इज नरेंद्र? देयर ही इज, प्लीज कम. एंड sir, please, could you please join us on the stage? Bharat bhai, please. Shadab, Aloka, Rajeshwari, Debu. Aloka is our music director. Picture mein ek hi gana hai, lekin wo 10 gaanon pe bhari hai. It's a very, very beautiful song. And the lyrics have been written by Rajeshwari. Rajeshwari, lovely work. Thank you very much. Ye Debu ji hain, aapne inko dekha hoga Devdi mein. तो अभी तक नहीं सुधरे, वैसी हरकतें कर रहे हैं. और शादाब, एवरीबॉडी नोस, मत साहब प्लीज इंट्रोड्यूस द फिल्म. मैं फिल्मों की ट्रायल नहीं देखता, मगर जब भरत भाई का फोन आया कि एक खास फिल्म है, आपके मिजाज की फिल्म है, आके देखिए, तो मुझे लगा भरत भाई ने फोन किया तो यकीनन कुछ होगा, क्योंकि भरत भाई का आए दिन से फोन आते नहीं. ये वो भरत शाह है जिन्होंने हमारा हाथ थामा था नाम के वक्त से, हमारी जिंदगी को नया एक रुख दिया था इन्होंने. हमारी, हम जहां यहां पहुंचे हैं उसमें इनका बहुत बड़ा एक योगदान है. अगर भरत शाह साहब नहीं होते तो शायद हम यहां तक पहुंचते नहीं. फिर हमने
फिल्म देखी, पूजा और हम जाके हमने फिल्म देखी बीए पास। हमने ट्रेलर देखा था अपने दफ्तर में, अजय जी आए थे और हमने ट्रेलर देख के हम जिस तरह आप लोगों ने भाप लिया ना कि कुछ है इसके अंदर। मंसूर बोल रहे थे ना, कौन बोल रहा था, हाथ उठा रहा था, करेक्ट भैया, बिल्कुल समझ तुम्हारी सही। तो मुझे लगा कुछ है इसके अंदर। तो हम जब गए थे तो हमको उम्मीद तो थी कि पिक्चर अच्छी होगी, मगर इतनी अच्छी होगी इसका हमें बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था। एक स्टनिंग फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जिसको देखकर कहीं पर अंडर डर जागता है कि भैया आप अपने आप को एक ब्रांड समझते हैं, आप मार्केट के लीडर्स हैं, आप भी बहुत कामयाब फिल्में बनाते हैं, मगर पैरों तले कहीं जमीन निकल गई, क्योंकि जब आपने इनका काम देखा लगा कि एक नई सोच है, एक नई ऊर्जा है, एक नई पीढ़ी है जिसका काम हमसे माइलों आगे है। शिल्पा, शदाब, देव, इनकी परफॉर्मेंस जानलेवा है। मतलब शिल्पा जैसी हिम्मत वाली लड़की मैंने देखी ही नहीं, कितनी ईमानदार परफॉर्मेंस। शदाब की इनोसेंस, देव, जानी तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, मगर ऐसा काम तभी हो सकता है जैसे शिल्पा जी कहती थी कि ये जब आपके दिल से एक ईमानदारी की एक्सट्रीम जिसे गंगोत्री से निकलती है जो गंगा माँ, तो कहां तक पहुंचती है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम आपके साथ सामने खड़े होके इतनी शिद्दत से एक ऐसी फिल्म की बात कर रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने सुना ही नहीं होगा, और जिसको भरत भाई ने ऐसी भी, ये वही भरत शाह है जिसने पहले मर्तबा देवदास बनाई थी, उन जमाने में 60 करोड़ का आंकड़ा सुनने को नहीं मिलता था। तो यही है, कुछ अदा है अजय पहल में जिसको देखकर भरत भाई ने अपना को सब कुछ दांव पे लगाया है यहां पर, और हम इसके साथ में खड़े हैं क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है, और मैं सोच समझ के कह रहा, मुझे इस बात का यकीन है कि इस चेहरे को देख लीजिए, ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री का एक लीडिंग प्लेयर है, ही इज अ स्टार इन मेकिंग। एंड ये जो कलाकार हैं, ये जो एक्टर्स हैं यहां पर, इनको भी जरा देख लीजिए। हमने यही दावा किया था आशिकी के टाइम पे, लोगों को लगता था ये तो बड़ा बोलता है अपने बारे में, अब मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा, दूसरे के फिल्म बोल रहा, जरा देख लीजिए इनको। चलो सिपा आगे जाओ, थोड़ा ज्यादा आगे जाओ, जॉनी तू भी आगे जा, इनको देख लो जरा। इसके बाद में अगर आपने फिल्म देखकर अगर आपने झुक के सलाम नहीं किया तो आपका जूता मेरा साथ। इट्स अ ग्रेट फिल्म, गो एंड सी इट। थैंक यू। शॉर्ट स्टोरी पे आधारित है और ये हिंदुस्तान की ऐसी ग्रिम रियलिटी को इतने एंगेजिंग अंदाज से पेश करती है, देख ट्रेलर देख के लगता है कि कुछ थोड़ी सी शरारती फिल्म है, मगर नहीं, वो सेक्सुअल कंपोनेंट है, बिना निडर होके इन्होंने पेश किया है, मगर वो देखते देखते जिंदगी की ऐसी कड़वाहट आपको घेरती है कि जिससे फिर निकल कर आप उसको इस फिल्म से अपना दामन आप बचा नहीं पाते। एक ऐसी फिल्म, शॉर्ट स्टोरीज और शॉर्ट नॉवेल्स आर मोर कंड्यूसिव फॉर अडैप्टेशन। अच्छा, जो लघु कथा होती है शॉर्ट स्टोरी, वो इंस्टेड ऑफ अ नॉवल, लघु कथा को अडाप्ट करना स्क्रीन के लिए ज्यादा आसान रहता है मेरी नजर में, क्योंकि कैरेक्टर्स होते हैं, एक प्लॉट होता है और कंटेंट होता है, लिमिटेड इन स्कोप होता है, और किसी भी चीज को फ्लैश आउट करना वो ज्यादा आसान है और बेहतर तरीका है काम करने का, राधा दान के आप बहुत बड़ी चीज उठाएं और उसमें से फिर चुने कि मेरे को क्या रखना है, क्या निकालना है, वो मुश्किल हो जाता है, तो अधकचरा काम होने का एक डर होता है। तो शॉर्ट स्टोरीज मेरी नजर में इज अ सेफ बेट। कोई भी नई सोच जो है ना, उसको अपने आप को असर्ट करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता। हमारा जब सफर शुरू हुआ था फिल्म इंडस्ट्री में, हमको भी इसी तरह से जद्दोजहद करके यहां तक पहुंचना पड़ा। इसमें कुछ लोग मिलते हैं, जिसमें हमने कहा कि भरत शाह मिले थे, हमारा हाथ थामा था, ऐसे ही हमको लगता है कि हमारा फर्ज है कि हम अजय का हाथ थाम कर उसे एक जीना चढ़ा दें, यही जिंदगी का एक तरीका होता है। मगर ये उम्मीद करना कि जब कुछ आप नया करेंगे, कुछ अनयूजुअल करेंगे और दुनिया आपके लिए रेड कार्पेट बिछा देगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर जब नया कुछ आता है वो पुराने को हिलाता है, उसकी जड़ों को उखाड़ता है,
वो एक थ्रेट होता है पुराने सोच का, जब तक पूरी तरह वो खात्मा नहीं कर सकता वो, तब तक वो अपने फुल फॉर्म में आता नहीं। तो हमेशा नया काम जो होता है उसको अपने आप को वहां तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इस मेहनत में कुछ लोग साथ देते हैं, मगर टैलेंट एक ऐसी चीज है जिसको आप रोक ही नहीं सकते, आज नहीं कल। ये आप, मेरा दावा है कि बीए पास का जिक्र सालों तक होता रहेगा। बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें बहुत बड़े स्टार्स हैं, वो ओपनिंग वीकेंड के बाद में उनका नामो निशान नहीं रहेगा, मगर ये 25-30 साल बाद में इस फिल्म का जिक्र होगा। इट्स अ पाथ ब्रेकिंग फिल्म। द ऑथर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी मोहन सिक्का has spent some time in Paradip. He was growing up there. He used to live with his aunt there. But it is in no way, I don't know how far Mohan has told me the truth, but I did ask him the question. And Mohan had to say, no, my life was not that colorful. So I don't think so it's inspired from anything that Mohan has, you know, faced himself in his life. It's definitely fiction. We're looking at a medium level release. For me, logistically, that makes more sense, because if you have too wide a release, there also, I would like the film to pick up by word of mouth, but by that I mean that I need at least about, say, 1500 shows a day, so which is about 600 to 700 screens, and baki hum log jis jagah pe khade hain, this is a very pious place, it's called a cinema theater, a multiplex, to ye humko support karta hai ki nahi karta hai, humko Thursday ko hi pata chalega, but humari koshish ye hai ki kam se kam 1500 show daily kare. Parag was interested in presenting the film. He certainly never said anything to me. It's only after Bharat Bhai came on board, Narendra came on board, that we started hearing that Anurag was interested. But we met at Oceani. He didn't see the film, but he was there at the award ceremony. And we've met a few times hence. And he never mentioned anything to me. So this is news to me. Though I've heard it circulating, but I have no personal knowledge of this. सुनना चाहते हैं एरोटिका का, हिंदुस्तानी हेरिटेज, वात्सायन की नहीं, कामसूत्र का शहर मुल्क है नहीं हमारा, तो ये हमने इसकी, इसको जन्म नहीं दिया, ये हमारे पुरखों की देन है। जब हमने आंख खोली तो हमारे बड़े प्रीडिसेसर्स थे, केदार शर्मा साहब थे एक राज कपूर के गुरु, उनको विरासत, राज कपूर साहब को विरासत में एरोटिका जो है केदार शर्मा साहब ने दी थी, राज कपूर साहब ने हमारे जनरेशन को दी। तो एरोटिका कोई नई कोई क्रिएशन है नहीं, ये लगता है आपको क्या आज की तारीख में, प्रॉब्लम क्या है कि इतिहास की समझ जो है शायद फेड आउट होती जा रही है, मुल्क जो है सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर्स डिजीज, मेमोरी है नहीं। एक बहुत बड़ा एक इतिहास है, एरोटिका वाज ऑलवेज अ पार्ट इस मुल्क ने, जिसमें हमने सेक्सुअल प्लेजर को एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेस दी है। और ये अगर आप इसको एक एरोटिक फिल्म कह रहे हैं तो शायद इसको आप डिफाइन सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक सेक्सुअल कंपोनेंट जरूर है, मगर ये केवल एक टिटिलेटिंग फिल्म नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई, एक तन्हाई जो है आज के दौर की उसको दर्शाती है। ये आपके रूह के अंदर पहुंच जाती है, केवल जिस्म तक सीमित नहीं है फिल्म। तो ये फिल्म जो है इस कैटेगरी में बैठती नहीं मेरे हिसाब से। हाँ, इसमें सेक्सुअल कंपोनेंट है, और सेक्सुअल कंपोनेंट को बहुत ही निडर होकर इन्होंने इस्तेमाल किया। वेल, अजय इज अ फैबुलस डायरेक्टर, लाइक मैं पहली बार अजय से मिला जब मैं बॉम्बे आया मिलने के लिए अजय से। अजय के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था कि इन्होंने इससे पहले क्या काम किया है, कोई आइडिया नहीं था मुझे। तो मैं जब अजय से मिला, एंड एज एन एक्टर आपको एक ब्लाइंड फेथ लेके चलना पड़ता है कि ये किस तरह का पिक्चर बनाने जा रहे हैं, आपको अपना पूरा फेथ रखना पड़ेगा, एंड दैट वाज लाइक अ बिग चैलेंज फॉर मी, बट एस्पेशली आफ्टर रीडिंग द स्क्रिप्ट, किस तरह का स्क्रिप्ट है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि अजय जिस तरह से मुझे गाइड किए फिल्म के दौरान, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, and that is what I got from back from Ajay, the way he guided me, the way he brought out the talent which was there in me, to get that out of me, that again is all in the director's hand. He can really twist you and
destroy your career or he can really take you to places. And I'm very happy. After doing this film, I'm proud of this film and proud of my work. And that was only possible with Ajay's direction. And also, I would like to say that Ajay invested his own money and everything in the film to begin with. And to trust a newcomer, that is something. You know, I'm not a known face. I've always done theatre. So for me, I realized ki ye bahut courageous aadmi hai. Matlab mere ko le raha hai. And that's, I have all my admiration for him. And as for Mr. Mahesh Bhatt ji, just the fact that I'm standing on the same platform as him right now today, I have no words. थ्री की अर्थ कहाँ बोल्ड हाँ उसमें एक सोच थी देखिए नहीं देखिए अर्थ की सोच आज भी बहुत ही बोल्ड है क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की का जो एक इशू हमने उस फिल्म में रेस किया था कि कांपते हुए हो पैर अपने होने चाहिए और मर्द के बगैर औरत संपूर्ण है वो बिना किसी मर्द पे लीन किए अपनी जिंदगी जी सकती है क्योंकि औरतें अक्सर बैसाखी ही बनाती हैं और कहा गया है कि बिना हमारे तो तुम तो चल ही नहीं सकती है ये हमको कहा गया हमारे माइथोलॉजी से कहा गया है कि नारी संपूर्ण नहीं है तो वो सोच को कहीं पर 84 में हमने उसको सेंटर स्टेज पे रखा था उसको इसका जिक्र 25-30 साल बाद भी अगर हो रहा है तो उसकी एक एंड्योरिंग वैल्यू इसलिए क्योंकि उसके अंदर सत्य जो है कहीं पर छुपा हुआ है हाँ पाकिस्तान में उस फिल्म को शान जो है वहां के सुपरस्टार इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि मौजूदा पाकिस्तान में वहां पर औरतों की सोच भी सर चढ़ के बोल रही है जेंडर इक्वालिटी का जो इश्यू है वो पूरा साउथ एशिया का इश्यू हो गया केवल मुंबई का या दिल्ली का या हमारे मेट्रोज का नहीं है बांग्लादेश में भी है श्रीलंका में भी है तो ये एक इश्यू नेपाल में भी है तो ये औरतों की एक सोच जो है वो आज सर चढ़ के बोल रही है इसलिए शायद वो बना रहे I think what is important is to make a good film. Which genre you classify it as, independent, art house, whatever else, you know, backed by a studio or not. Ship of Thieves is a good film. So it has found its way to the audience. B.A. Pass, is a good film. So it has found its way to the audience. There are a lot of independent films that are getting made, which probably have a tough time getting to the theaters. I'm nobody to judge anyone's film. All that I'm saying is that the best you can do is give it your best shot, and then just pursue it relentlessly, see what happens. And if you have made something which is decent, you'll definitely see the thing. मैंने जितनी तारीफ की है बीए पास के बारे में कम की है क्योंकि मेरे हिसाब से अजय बहल जो है आने वाले कल का एक सुपरस्टार डायरेक्टर इमर्ज होने वाला है उसने हिंदुस्तानी सोच के जरिए आज के मॉडर्न हिंदुस्तान की कड़ी सच्चाइयों को छुआ है और बहुत ही एंगेजिंग वे से उसको प्रेजेंट किया है एक थ्रिलर फॉर्मेट के जॉनर में सर्व किया है और मुझे लगता है कि ये फिल्म आने वाले कल में तहलका मचा देगी देखिए रमजान का जो महीना होता है पाक महीना होता है जिसमें लोग आपसी करवाहट से अपना दामन छुड़ाकर अमन चैन भाईचारे की प्रेम की बात करते हैं और इफ्तार की पार्टी हो और हमारे दो अपने मिले और गले न लगे ये तो पॉसिबल ही नहीं था दोनों ने गले लगकर एक ऐसा संदेश भेजा है मुल्क में कि भैया के घर में झगड़े होते हैं दूरियां आ जाती हैं मगर ऐसी दूरियां भी नहीं आ जाती हैं कि हम फिर गले मिल नहीं पाए तो मेरे तरफ से दोनों को बहुत बहुत बधाई उन्होंने बहुत बहुत पॉजिटिव एक माहौल क्रिएट किया है इस मुल्क में यहाँ पर सिर्फ जहर वाहट और मारपीट की बातें हुई तो हम फिल्म वाले जो हैं प्रेम की बात करते हैं और ये दोनों ने सुपरस्टार्स ने गले लगकर प्रेम का एक संदेश दिया रमजान के इस पाक महीने देखिए वो दुकानदारी हर चीज में नहीं देखनी चाहिए मुझे लगता है कि इफ्तार का एक अवसर था रमजान का महीना था दो हमारे अपने सुपरस्टार्स हैं उन्होंने एक दूसरे को आमने सामने देखकर वही किया जो रमजान के महीने में लोग करते हैं आगे बढ़कर
शिद्दत से गले लगते हैं और पुराने बैर जो हैं उसको इतिहास के कूड़े करकट में फेंककर एक नई सुबह एक नई जीवन की शुरुआत करते हैं।